चलो ठीक है। अच्छा तो इस एक्सरसाइज का कौन से क्वेश्चन बाकी था खाली बोल दो। ये वाला बाकी था, ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स बाकी था शायद। अच्छा क्वेश्चन यस सर 3 4 80 बाकी था। यस सर थ्री 3 4 7 8 3 4 7 8 ओके। तो इसमें से एक भी नहीं हुआ आपसे, एक भी निकल पाए। एक भी नहीं हुआ या ट्राई नहीं किया हो? ट्राई नहीं किया कि नहीं हुआ? अच्छा छोड़ो, नहीं हुआ कि ट्राई ना के जो भी हमें तो करना ही पड़ेगा और क्या करेंगे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा सुनो, जैसा ही हम मतलब एक जो रॉड वाला सवाल था उसी रॉड वाले सवाल एग्जाम्पल 19 के तरह ही है। एग्जाम्पल 19 में ही रॉड वाला सवाल दे रखा है ना, तो बिल्कुल उसी तरह ही है जो कल किए थे रॉड वाले। ये वाला रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट से कल किए थे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या बोला है, एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी एलिप्स। एक आर्च एक सेमी एलिप्स के फॉर्म में है ना, सेमी एलिप्स मतलब समझना, एमी एलिप्स का आधार समझो ना, ऐसा ऐसा ये सेमी एलिप्स ठीक है, ये सेमी एलिप्स, ये सेमी एलिप्स, ये सेमी एलिप्स, ये सेमी एलिप्स, क्लियर? ये सब सेमी एलिप्स ठीक है, एलिप्स का आधार। बस यस बस बस बस। सो एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी एलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। चलो ठीक है, पहले तो सेमी एलिप्टिकल एक आर्च बनाते हैं। अच्छा सुनो, आर्च ऑब्वियसली ऐसा मतलब ऐसा ही बनाओगे, मेरा समझो, ऐसा ऐसा थोड़ी ना बनाता है आर्च, अरे ऐसा ही बनाएंगे राइट, मेरे को समझ रहे हो कि नहीं? यस सर यस सर डाउनवार्ड 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 बस। तो ये है मेरा सेमी एलिप्टिकल। अच्छा जैसे सेमी एलिप्टिकल मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली में एक एलिप्स का ये आधा है। असलियत में अगर एक एलिप्स इमेजिन किया जाए, एलिप्स तो ऐसा थोड़ा इसको और क्लियर अच्छे से बना देते हैं, ऐसा करके बना देते हैं। हाँ ये हो गया ठीक राइट, ये हो गया ठीक, ये हो गया ठीक बस ऐसा बस। ये असलियत में एक एलिप्स का आधा है ना, ऐसे ऐसे एलिप्स होगा कोई एक उसका ये आधा है ठीक है, तो सेमी एलिप्टिकल आर्च। तो उसने क्या इन्फॉर्मेशन हमें आर्च के बारे में दे रखा है कि आर्च का विड्थ कितना दे रखा है, कितना वाइड है आर्च? अच्छा 8 मीटर 8 मीटर वाइड, 8 मीटर मतलब बेटा ये लेंथ है 8 मीटर है ना, ये लेंथ है 8 मीटर। अच्छा तो इसका नामकरण कर देते हैं, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, मतलब ए बी का लेंथ 8 मीटर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक सेमी एलिप्स है तो इसका मतलब ये जो ए बी है क्या ये मेजर एक्सिस नहीं होगा उस एलिप्स का, जो भी एलिप्स का पार्ट है उसका मेजर एक्सिस नहीं होगा क्योंकि ये सेमी एलिप्स है, आधा है नीचे और आधा हो रहा होगा, यस तो इसका मतलब ये जो ए बी के ए बी है ये असलियत में सेमी या ये असलियत में मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होता है, 2a, तो 2a इज यहाँ पर 8, मेरे बात समझ रहे हो? तो a का वैल्यू कितना आ रहा है बेटे, यस यस 4, क्लियर? अच्छा और क्या दे रखा है यस बेटे, सर उसने दे रखा है कि इसका जो 2 मीटर हाई एट द सेंटर, सेंटर में का इसका हाइट है 2 मीटर, मतलब इधर इसका अगर सेंटर है एलिप्स का तो ये हाइट है 2 मीटर। बेटे ये क्या है, व्हाट इज दिस, लेंथ सेमी ऑफ माइनर एक्सिस सेमी सेमी माइनर एक्सिस है ना, क्योंकि माइनर एक्सिस पूरा यस पूरा सर नीचे तक आएगा माइनर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस का आधा सेमी माइनर एक्सिस, ये है पूरा मेजर एक्सिस, इसलिए उसको बोला मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस का सेंटर के ऊपर आधा, तो ये होता है सेमी सेमी माइनर एक्सिस है ना, और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है, बी होता है ना, तो बी का वैल्यू कितना है, क्लियर एवरीबॉडी? यस ओके सर तो बेटे मुझे बताओ मैं ये एलिप्स का इक्वेशन निकाल पाऊंगा कि नहीं, जो एलिप्स का ये पार्ट है, द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विल बी इक्वेशन। अच्छा इक्वेशन ऑफ द एलिप्स पर करने से पहले पहले हम लिख लेंगे क्या किसको लिए हैं, सुना मेरे बात, आप ये जो सेंटर है इसका उसको ओरिजिन पकड़ लो और ये जो इसका जो मेजर एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस पर पकड़ लो है ना। आप बोलोगे क्यों सर, हम करके मेजर एक्सिस तो किधर भी हो सकता है, क्योंकि इजी होगा
मेजर एक्सिस को एक्स एक्सिस और सेंटर को ओरिजिन पकड़ने से इजी होगा, मेरे बात समझ रहे हो? तो एक्स एक्सिस है और ये बेटे वाई एक्सिस है, तो कंसीडरिंग द सेंटर ऑफ द आर्च एज ओरिजिन एंड द विड्थ ऑफ द आर्च व्हिच इज ए बी, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस ये, ठीक है, बस इतना लिखने के बाद अभी ये जो एलिप्स है इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, राइट? यस सर। बस अच्छा, तो ये हो गया मेरा एलिप्स का इक्वेशन। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, फोर है, मतलब फोर का स्क्वायर 16। बी का वैल्यू क्या है, टू है, टू का स्क्वायर 4। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ माई आर्च, मेरा आर्च का इक्वेशन मिल गया। अभी उसने सवाल में क्या पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, मतलब इसका कोई सा भी एक एंड, ये एंड या फिर ये एंड, क्योंकि सिमेट्रिकल है, कोई सा भी एक एंड, कोई से मानो ये बी एंड से, बी एंड से 1.5 मीटर डिस्टेंस के डिस्टेंस में जो पॉइंट है, मेरे पास समझ रहे हो, एक एंड पॉइंट से 1.5 मीटर डिस्टेंस में जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर आर्च का हाइट आपको पूछ रहा है, क्लियर एवरीबॉडी, ये हाइट आपको पूछ रहा है, क्लियर? ओके, यस सर। बेटे मुझे ही बात बताओ, ओबी का लेंथ क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओबी बेटे, ओबी ये पूरा लेंथ क्या है, सर फोर, एट सर वो फोर होगा, ये होगा फोर, ओबी हो जाएगा फोर। अच्छा ये पॉइंट का मैं नाम देता हूँ, मानो पी देता हूँ, ठीक है ना, तो PB का लेंथ कितना दे रखा है उसने, 1.5। तो OP का लेंथ कितना होगा सर, 2.5 सर, 4 - 1.5 कितना होगा, 2.5 4 से 1 माइनस करो 3, 3 से 0.5 माइनस कर दो 2.5, तो ये हो गया 2.5, तो इसका मतलब ये लेंथ है 2.5 है। तो बेटे मुझे बताओ ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, अभी देखो बेटे ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग पर ये लेंथ है 2.5, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे, 2.5, मेरे पास समझ रहे हो कि नहीं, हेलो? यस सर, यस सर। और इसका हाइट जो कि एच हम निकालना चाह रहे हैं, चलो उसको एच बोल देते, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग पर है हाइट एच, अरे एच होगा ना, मेरे पास समझ रहे हो कि नहीं, यस एच, और ये 2.5 एक्स कोऑर्डिनेट, एच इज वाई कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट हमारा एलिप्स के ऊपर है, राइट? तो पॉइंट, ये पॉइंट का नामकरण कर देते हैं क्यू, पॉइंट क्यू जिसका कोऑर्डिनेट है क्या है, 2.5 कमा एच इज, अरे रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, हाँ यस, इज ऑन द एलिप्स, सो इट विल व्हाट, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, राइट? इक्वेशन वन सेटिस्फाई, इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन में अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स के जगह 2.5 और वाई के जगह एच डाल दें तो इक्वेशन ट्रू हो जाता है, तो एक्स के जगह 2.5 डालो, 2.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16, अरे समझ रहे हो कि नहीं, प्लस एच का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो इसी से आप एच का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, थोड़ा तकलीफ हो सकता है लेकिन निकालना तो पड़ेगा। अच्छा एलसीएम क्या जाएगा इधर बेटे, 16 जाएगा, 16 2.5 का स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना, 6.25, 25 पढ़ते हैं, 6.25, यस सर, और इधर क्या होगा, 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर, तो 4h स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 16 क्रॉस होकर मल्टीप्लाई होगा 16 और ये उस साइड में जाके माइनस होगा 6.25, राइट? तो 16 से 6.25 माइनस करने से क्या होता है, 10.25 क्योंकि आप 16 से जब 6 माइनस करोगे आपका रहेगा 10, 10 से जब 0.25 माइनस करोगे कितना होगा 9.75, राइट? तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा,
9.75 डिवाइड बाई 4। अच्छा तो 9.75 को अगर ठीक से अगर लिख दे तो ये क्या जाता है, 975 डिवाइड बाई 4 इंटू 100 है ना, स्क्वायर रूट निकालना भी इजी होगा। तो एच क्या होगा इसका, स्क्वायर रूट। हाँ, और एच हाइट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और 100 का स्क्वायर रूट 10, ऊपर 975 का स्क्वायर रूट। अच्छा 975 तो होल स्क्वायर नंबर नहीं है, राइट? तो लेकिन हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका स्क्वायर रूट मतलब कितना होता है निकाल पाएंगे, राइट? तो 975 कितना कैसे आया देखते हैं पहले। 975 आपका कितना होगा अगर इसको अगर 25 में डिवाइड करते हैं 975 को, तो कितना होता है, 25 पर 3 25 3 25 सौ। हाँ, राइट। हाँ यस, 5 आया, 25 जा 9, राइट? यस सर। 25 जा 9 जा बस, तो इसका मतलब इसका वैल्यू होता है 35 इंटू 20 सॉरी 25 इंटू 39, मतलब 975 का। तो उसका स्क्वायर रूट क्या होने वाला है, 5 इंटू 39, 39 39 को तो प्राइम फैक्टर से करने से आता है 3 इंटू 39, दोनों प्राइम नंबर है तो छोड़ो। तो फाइनली ये कितना आ गया, 1/4 इंटू रूट ओवर 39। क्लियर और नॉट? हेलो, अरे समझ में आएगी नहीं? यस हाँ ठीक है, सर। ओके। जरा सोचो, इधर रिकॉर्डिंग, इधर इधर ही रिकॉर्डिंग पॉज होता है, हम कर ले पढ़ लेते हैं। अरे भाई, ओके ठीक है, तो ये आंसर है ना। चलो आगे चलते हैं। और कौन सा क्वेश्चन बाकी था, ये वाला है। अच्छा, ये वाला मैं लास्ट को क्यों रख रहा हूँ पता चलेगा आपको, क्योंकि इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा डायग्राम बना के, इसीलिए मैं लास्ट को रखा इसको। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पाराबोला। बेटे सस्पेंशन ब्रिज देखे हो, सस्पेंशन ब्रिज देखे हो कि नहीं? हेलो, देखे हो कि नहीं? हाँ। अच्छा मैं खाली आपको एक फिगर दिखाता हूँ, देखो बेटे ऐसा होता है, ऐसा करके होता है, ठीक है? ओके। और नीचे ऐसे पाथवे होता है, इस पे ऊपर, इसके ऊपर लोग चल के जाते हैं, है ना? और ये सस्पेंशन ब्रिज पाथवे के साथ केबल के वायर के द्वारा जुड़ा हुआ होता है ना भाई? ऐसे करके, ऐसे वायर से जुड़ा होता है, ठीक है? यस सर। और आप यहाँ इसी के ऊपर चल के जाते हैं, ये आपका पाथवे, ठीक है ना? ये आपका पाथवे, इसी के ऊपर चल के जाते हो। ओके, तो ऐसा ही एक सिचुएशन है, ठीक है? अच्छा, तो केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पाराबोला। और यहाँ पर केबल क्या, ये है केबल, ठीक है ना? ये केबल है, ठीक है, दिस इज द केबल। और ये केबल लेकर पाराबोला के शेप में हैंग हुआ है, समझ रहे हो? यस सर। अच्छा हो, ओके। उसके बाद क्या बोला है, ना द रोडवे हुई चीज हॉराइजॉन्टल, रोडवे हॉराइजॉन्टल है जैसे मैंने डायग्राम बनाया हूँ, एंड 100 मीटर लॉन्ग, मतलब रोड है, रोडवे 100 मीटर लॉन्ग है, ठीक है ना? ये रोड का लेंथ है 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर, ठीक है? ओके, फिर क्या बोला, इज सपोर्टेड बाई वर्टिकल वायर, जैसे मैं वर्टिकल वायर बनाया हूँ, देख रहे हो वर्टिकल वायर, देख रहे हो वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल, केबल का अटैच, द लॉन्गेस्ट वायर बींग 30 मीटर, द लॉन्गेस्ट वायर। अच्छा बेटी, ये जो केबल से जो रोड के तरफ जो रोड से, रोड के साथ जो वायर से जुड़ा हुआ है जो केबल, इसमें से लॉन्गेस्ट वायर कौन सा होगा, ये वाला वायर होगा, है ना? ये वाला, यस 30 मीटर। और क्या रखा है, एंड द शॉर्टेस्ट बींग 6 मीटर। अब शॉर्टेस्ट किधर होगा, मिडिल, मतलब ये पैराबोला का वर्टेक्स नहीं होगा, पैराबोला का वर्टेक्स नहीं होगा, बार 6 मीटर। अच्छा गया, छोटे 6 मीटर। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको जो सवाल पूछूंगा आप बोलोगे। अच्छा, आप में से कितनों को लगता है यहाँ पर ये जो केबुल है तो पैराबोला है तो समझ में आता है? क्या कोई ऐसा सोच रहा है क्या, ये रोड इस पैराबोला का डायरेक्ट रिक्स है रोड,
यस अबे दिख रहा है तो इसका मतलब है क्या डायरेक्ट्रिक्स, दिख रहा है तो मतलब है क्या, हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। सर, हाँ ये पैराबोला है, देखो फिर से यस ये मेरा पैराबोला है, ठीक है। अभी इसके पीछे ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ये मानो डायरेक्ट्रिक्स है उसका, तो ये भी क्या उसका डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी क्या उसका, ये भी डायरेक्ट्रिक्स, सब डायरेक्ट्रिक्स है, उसके नीचे जो भी सब डायरेक्ट्रिक्स है, अरे एक ही तो डायरेक्ट्रिक्स होता है ना। नो सर, यस हाँ सर, यस सर, तो जब तक आप इस पैराबोला का फोकल लेंथ नहीं निकाले हो, डायरेक्ट्रिक्स कैसे बोलते हो? अगर इसका फोकल लेंथ 6 होगा हाँ तो ये डायरेक्ट्रिक्स है। वर्टेक्स फोकस से अगर 6 डी, मतलब वर्टेक्स से फोकस का दूरी भी 6, मतलब जो ए होता है, एंड वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी भी ए होता है, जो जो मतलब फोकल लेंथ बोल दिया, सॉरी सॉरी, मतलब वर्टेक्स से फोकस का दूरी जो स्मॉल ए, स्मॉल ए है ना, स्मॉल ए। अभी स्मॉल ए का वैल्यू अगर 6 आता है तो होगा ना डायरेक्ट्रिक्स, तो अब तक नहीं पता है तो कैसे अस्यूम करोगे दिस इज डायरेक्ट्रिक्स? कुछ नहीं भाई, हाँ खाली रोड है, ठीक है, कुछ नहीं है, अरे क्लियर, हाँ दिस इज नॉट, दिस इज नॉट द डायरेक्ट्रिक्स, दिख रहा है खाली, ओके आगे चलें। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोड वे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल, मिडिल से 18 मीटर दूरी पर जो वायर है उस वायर का लेंथ निकालना है। मिडिल से, ये मिडिल है, मिडिल से 18 मीटर दूरी पर, मानो इधर 18 मीटर ऐसा दूरी है, ये वायर का लेंथ मुझे निकालना है, क्लियर और नॉट? यस यस, बस देखो बेटे मुझे मजबूरन डायग्राम को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम में बना दिया हूँ ऐसा। अच्छा काम कर लेते ना, 18 मिनट थोड़ा और दूर लेते ना, नहीं इम्पॉसिबल सा दिखेगा। सुनो रुको, थोड़ा सा हाँ हाँ थोड़ा सा, और खाली केबल को खाली थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते, हो जाएगा, ठीक है। जैसे होना चाहिए, मैथ टीचर के पास एक रहना चाहिए डायग्राम बनाने के लिए, असिस्ट करने के लिए, वो डायग्राम बनाएगा मैथ टीचर के लिए पढ़ाएगा, कि नहीं ऐसा होना चाहिए कि नहीं? देखो थोड़ा तो मैथ टीचर के सपोर्ट में कभी कुछ बोलो। हाँ सर चाहिए, हाँ बस बस सपोर्ट में थोड़ा बोलो कभी कभी, बीच बीच में सपोर्ट में बोलो। हाँ हो गया जा, या हो गया, ये हो गया 30 मीटर जा, ये 6, ठीक है, ये 6, अच्छा तो 8 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर है। हाँ तो मुझे ये वायर का लेंथ चाहिए, क्लियर, ये वायर का लेंथ चाहिए, ठीक है, आगे चलते। अच्छा ये सर, तो बेटे पैराबोला है, मतलब हमारा जो केबल है ब्रिज का जो केबल है वो पैराबोला है, तो पैराबोला होगा मतलब उसका एक एक्सिस होगा, उसका एक वॉर्टेक्स होगा, वगैरह वगैरह होगा, तो ऑब्वियसली उसका जो मिडिल पॉइंट केबल का वही होगा ना उसका वॉर्टेक्स, राइट, वही होगा ना उसका वॉर्टेक्स। तो हम क्या कर लेते हैं बेटे कि ऑब्वियसली कैलकुलेशन इजी होगा, अगर हम इसका वाक्सिस, इसका जो एक्सिस है उसको अगर वाई एक्सिस पकड़ ले, है ना, और ये बेटा एक अपवर्ड पैराबोला हो जाता है कि नहीं, जिसका सेंटर को हम ओरिजिन ले जाते हैं थोड़ी समय के लिए। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया बेटे क्लियरली? अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया मेरा पैराबोला का वर्टेक्स, वर्टेक्स इज ओरिजिन और एक्सिस इज ओ आई, तो ये बेटा मेरा अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, कौन बोला, अरे कौन बोला, पैराबोला, हाँ ओके पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, बस, लेकिन ए का वैल्यू जब तक नहीं मिलेगा तो कोई सा ही पैराबोला हो सकता है ना, तो ए का वैल्यू पता करना है, तो ए का वैल्यू पता करने के लिए हम जो इन्फॉर्मेशन दिए है उसी से उसी का मदद लेंगे। अच्छा बड़ी मुझे बात बताओ, ये टोटल लेंथ है 100, अच्छा मैं नामकरण पहले करूँ, नामकरण पहला बात है, ए बी सी, हाँ सी सी सी, बेटे सी बी का लेंथ कितना होने वाला है, 50, राइट, सीबी का लेंथ 50, सीबी का लेंथ 50 मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 50 होगा, ये नाम मतलब ये सपोज मैं देता हूँ इधर डी देता हूँ, ओ डी, हाँ ओ डी, ओ डी, इसका भी लेंथ क्या होगा, वही 50 होगी नहीं? यस सर। अच्छा मुझे बात बताओ, ये लेंथ 6 है और ये लॉन्गेस्ट का लेंथ 30 मीटर है, ठीक है ना, मतलब ये लॉन्गेस्ट, ये इस तरफ जो लॉन्गेस्ट है इसका लेंथ 30 मीटर, इसका नाम भी देता हूँ ई देता हूँ,
ई बी, हाँ ये बी लिखा है ठीक है, सबको दिख रहा है ई बी, इसका लेंथ 30 है, और यहाँ से डी बी इसका लेंथ 6 होगा ऑब्वियसली, ये लेंथ 6 है, तो ये डी का लेंथ कितना होने वाला है, 24 24 होगा कि नहीं बताओ भाई। अरे यस सर, यस सर। सुनो ई बी ये पूरा है 30, ओ सी 6 देख रहे हो, ओ सी 6 मतलब डी बी भी 6 होगा ना, डी बी भी 6 होगा। हाँ तो कुछ बोल नहीं रहे हो, तो ई डी क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा 30 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 24। तो मुझे बात बताओ ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, अच्छा इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होने वाला यस है, सर 50 50 होगा। 50 अच्छा इसका वाई कोऑर्डिनेट, हाँ सुनो क्या होता है, गलती में आप भूल जाते हो कि ये आपका ओरिजिन है और ये आपका एक्स एक्सिस है, इसीलिए ना डायग्राम में लिखी दोगे कि एक्स एक्स डैश, ताकि आप भूलना नहीं, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये तो गलती से लगेगा आपको ये एक्स एक्सिस की तरह लगेगा, ये एक्स एक्स है और इधर ओरिजिन है ठीक है। तो ये हाइट कितना आया बेटे, 24 आया, तो मतलब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, 24 होने वाला है ना, तो इसका यस मतलब सर, दिस पॉइंट ई इज ऑन दी पैराबोला एंड उसका कोऑर्डिनेट्स 50,24 है। सबको समझ में आएगी नहीं, यस पॉइंट सर, यस बी सर, 50,24 इज ऑन दी पैराबोला, तो ये पैराबोला को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पैराबोला के इक्वेशन में अगर पुट करते हैं, देयरफॉर पैराबोला के इक्वेशन में पुट करूंगा ठीक है, लिख देता हूँ खाली पुटिंग, इसको मान लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू 50, वाई इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 1, पुट करने से क्या होता है बेटे, एक्स की जगह 50 पुट करने से 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई, वाई कितना है 24 है ना भाई। अच्छा यस सर, तो ए का वैल्यू कितना आता है, इनफैक्ट हम अगर 4a का वैल्यू भी निकाल देते हैं, तो 4a ही हमें एक्चुअली असलियत में चाहिए ठीक है ना, अगर 4a ही असलियत में चाहिए तो 4a, चलो ठीक है 4a क्या होगा, इधर देखो 4a ही असलियत में चाहिए, 4a क्या होगा 50 स्क्वायर बाई 24 है ना। यस सर, हाँ थोड़ी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई, 4a का वैल्यू कितना है दिस, राइट, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ माई पैराबोला, ये जो केबुल है जो पैराबोला है उसका इक्वेशन मिल गया। हेलो एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट, हेलो यस सर, यस यस सर, सर अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो क्यों लगता है समझ नहीं रहे हो, लगता है समझ नहीं हो, पूरा साइलेंट रह रहे हो बहुत सारे हैं, नहीं ऐसा मत करो। अच्छा सुनो ओके, मैं ये केबल को उड़ा देता हूँ ताकि हमें दिखेगा क्लियरली कौन सा केबल के बारे में बात करें, हाँ ये केबल के बारे में बात करें ठीक है, ये केबल का लेंथ निकालना है। अच्छा मुझे बात बताओ, यहाँ ई जो पॉइंट होगा है ना, ई जो पॉइंट होगा, मानो इस पॉइंट का नाम है एफ देता हूँ ठीक है, अच्छा एफ का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया कि नहीं, ये टोटल ये लेंथ है 18, सर 18, ये भी यस लेंथ सर, है 18, 18 है ना, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, क्योंकि हमें इसका लेंथ निकालना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मानो इसका जो लेंथ है उसको हम ले जाते हैं थोड़ी देर के लिए एल ठीक है ना, एल नहीं इस पॉइंट का नाम करना एम कर देते हैं ठीक है, एम कर देते हैं, हाँ हमें एफ एम का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, एफ एम का वैल्यू चाहिए, और बेटे ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 6 है ना, मेरे बात समझ रहे हो, 6 है, तो लेट ले जाते हैं, लेट एफ एम इज इक्वल टू एल जिसका वैल्यू हमें चाहिए, लेट इस साइड में लेता हूँ एफ एम इज इक्वल टू एल, एल का वैल्यू हमें चाहिए जो कि वायर का लेंथ है, तो बेटा अगर एफ एम का लेंथ एल है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, L-6 एल माइनस सिक्स होगा। हेलो एवरीबॉडी, यस एफ एम अगर एल यस सर, है, हाँ बस तो ये हो गया L-6, तो फिर इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला, ये ओरिजिन, ये हाइट आया L-6, वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, L-6 होने वाला है कि नहीं इसका वाई कोऑर्डिनेट, हेलो यस यस सर, यस सर, यस सर, हाँ अरे कुछ नहीं समझ रहे हो क्या, हाँ ये पॉइंट को एन रहते हैं, नाम को एन कर देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ इधर एफ एन इज इक्वल टू, एफ एन इज इक्वल टू एफ एम
माइनस एन एम। एफ एम का लेंथ कितना है, एफ एम देखो इधर, एफ एम जिसको आप एल लिया हो और एन एम का लेंथ 6 है, 12 माइनस 6। तो बेटे ये जो पॉइंट आया एफ, इसका कोऑर्डिनेट है 18, L-6। पॉइंट एफ जो कोऑर्डिनेट 18, L-6 इज ऑन दी पैराबोला आर नॉट? यस सर, यस सर। दैट मींस दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, राइट? तो पैराबोला के इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें 6 का वैल्यू मिल जाएगी नहीं? सो पुटिंग इस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ऑलरेडी लिख चुके थे, पुटिंग x इज इक्वल टू 18। बेटा अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आ रहा है, पता है क्यों नहीं आ रहा है? कारण क्या होगा, कौन बताएगा? क्यों समझ में नहीं आता है बीच बीच में पढ़ाते वक्त, कारण क्या होगा? किसका गलती है आपको लग रहा है? स्टूडेंट का गलती है सर, हमारे हाँ। और वो गलती क्या है पता है ना? टीचर का बात ना मानना, हमेशा मनमानी करना ही एक गलती होता है आपका। शुरुआत से ही मैं बताते आ रहा हूँ, जब जिस टाइम में मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, देखो अगर ऑफलाइन क्लास हुआ 1.5 घंटा क्लास होता, आपको भरपूर टाइम मिलता, आप सोच सोच के सब करते। ऑनलाइन क्लास में 1 घंटे में काम खत्म, तो मैं कम समय में ज़्यादा पढ़ाना पड़ रहा है, इसीलिए मैं जितना जब जिस टाइम में जो बोल रहा हूँ उस टाइम में उसको समझने की कोशिश करो। पिछला चीज़ को अगर आप सोचते रहोगे तो आगे मैं जो बोलते जाऊँगा आपको वही पीछे अटकते अटके अटके रहे होगे। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। तो ये होता है कारण, आप नहीं समझ पाते हो, जो नहीं समझ पाए पिछ बाद में समझ लोगे ना। अच्छा, x का जगह 18 का पुट डालो तो 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर बाई 24 इंटू वाई। वाई क्या है भाई? L-6। हाँ, तो L-6 क्या होने वाला है? 18 का स्क्वायर इंटू 24 बाई 50 का स्क्वायर। तो एल क्या होने वाला है? दिस प्लस 6। क्लियर? प्लस 6। ओके, अच्छा, इसको अगर आप मैनिपुलेट करोगे तो कर सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो, राइट? अच्छा बताओ जरा। यस सर। ओके ओके, रिकॉर्डिंग। हाँ, यस यस, ओके। तो आप इसको खाली मैंने सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। आ तो ये क्वेश्चन बता हुआ ना, थोड़ा सा हटके वाला सवाल था कि नहीं? यस सर, यस सर, हाँ। इसीलिए मैंने इसको लास्ट को रखा था, ठीक है ना? पता चला क्यों लास्ट को रखा था? आप सोच रहे थे सर हमें ये क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, शायद इसीलिए रखे थे। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है? अच्छा सुनो, बोला ये मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट, a man running a race course notes that the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter. मतलब क्या है देखो बेटे, मतलब एक मैन एक रेस कोर्स में दौड़ रहा है और फ्लैग पोस्ट, ऐसे दो फ्लैग पोस्ट है, ठीक है? एक फ्लैग पोस्ट ये है, एक फ्लैग पोस्ट इधर है। तो मैन देख रहा है वो ऐसे पाथ में दौड़ रहा है, जिधर भी वो है उसका दोनों फ्लैग पोस्ट से जो डिस्टेंस, मेरा बात समझ लो कि नहीं? जिधर भी है उसका दोनों फ्लैग पोस्ट से जो डिस्टेंस का सॉम हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। तो मैं फ्लैग पोस्ट दोनों को पॉइंट करके दिखाता हूँ, ठीक है? ओके, हाँ, ये फ्लैग पोस्ट है, ये फ्लैग पोस्ट, सेकंड फ्लैग पोस्ट, दो फ्लैग पोस्ट है। तो मैन ये फ्लैग पोस्ट, ये फ्लैग दो, ये मैन जिधर भी जा रहा है इसका ये दोनों फ्लैग पोस्ट से जो डिस्टेंस है उसको ऐड करने से हमेशा सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। मानो इधर इधर मैन है, उसका इधर से भी ये दोनों डिस्टेंस को ऐड कर सेम आ रहा है, इधर भी है। तो बड़े अगर आप देखो तो एक एलिप्टिकल पाथ होगा ना, क्योंकि एलिप्स में तो वही होता है ना? यस सर, यस सर। दो फिक्स्ड पॉइंट्स, यहाँ पर जो दो फ्लैग पोस्ट फिक्स्ड पॉइंट का, ये जो फोकस की तरह काम कर रहे हैं, हाँ, फ्लैग पोस्ट दोनों फोकस की तरह काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली एलिप्स में क्या होता है कि जो भी पॉइंट आप एलिप्स में लो उसका दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस का सॉम कॉन्स्टेंट होता है नहीं? तो इसका मतलब द मैन इज रनिंग अलोंग एन एलिप्टिकल पाथ, इजंट इट? क्लियर? यस सर। हाँ, तो मैं इसको इसमें कर लेता हूँ। अच्छा, आज मुझे बोलोगे भूलना नहीं भाई, पीडीएफ को सर सेव कर दीजिए। ओके, देखो आज अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी वही हुआ, उनका आधा घंटा क्लास किया था,
आधा घंटा के बाद पॉज किया था, फिर आधा घंटा के बाद पढ़ाया लेकिन पॉज को रिज्यूम नहीं किया था, गया पूरा मतलब एक घंटा क्लास होता है, आधा घंटा वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था क्या बोले तो भूल जाता हूँ क्या करते। ओके तो यस इधर करते हैं। तो देखो इधर है फ्लैग पोस्ट के, फ्लैग पोस्ट है, इधर है फ्लैग पोस्ट है, और मैन ऑब्वियसली एसआई के एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, इसीलिए उसका हर पॉइंट से दोनों फ्लैग पोस्ट से डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। तो ये फोकस नंबर वन, ये फोकस नंबर टू। अच्छा सुनो, बाकी वो सारे आपको दे दिया, ये सवाल बहुत ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। उसने बोल दिया है कि पहला आपको खाली डिसाइड, इसमें डिफिकल्ट पार्ट ये था आपको डिसाइड करना एलिप्स है या फिर क्या है, वो डिसाइड कर दिया, फिर काम होता। फिर बोल रहा है कि मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर, दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच में डिस्टेंस है 8 मीटर। मेरे पास समझ रहे हो कि F1 F2 इज इक्वल टू 8 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 7 है शायद, हाँ 7 है, यस। दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच में डिस्टेंस 8 मीटर बेटे, तो इसका मतलब 2C इज इक्वल टू 8 और नॉट, दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस 2C होता है। यस सर। तो C कितना आ गया, तो 4 4 आ गया, तो 4। अच्छा और क्या बोला बेटे, बेटे देखो वो इंसान रेस कोर्स में जब दौड़ रहा है नोट कर रहा है द सम ऑफ हिज डिस्टेंसेज फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर, और दोनों फ्लैग पोस्ट से वो जिधर भी है दोनों फ्लैग पोस्ट से उसका डिस्टेंस का सम हमेशा आ रहा है 10 मीटर। मेरे पास समझ रहे हो, दोनों फ्लैग हमेशा डिस्टेंस। अच्छा मैंने बताया था ना एलिप्स में वो दोनों डिस्टेंसेस का सम क्या होता है, 2a होता है ना। यस। अरे 2a याद है कि नहीं, बताया था। यस सर, यस सर। अरे देखो मानो इधर है, इधर इंसान है, तो उस देव देखा कि उसका जो दोनों फ्लैग पोल से जो डिस्टेंसेस का सम P1 F1 प्लस P1 F2 वो 10 आ रहा है। फिर दौड़ के आके यहाँ पर पहुँचा, अब देखा कि अभी उसका वही आ रहा है P2 F1 प्लस P2 F2 वो भी 10 आ रहा है। समझ रहे हो कि एलिप्स हो गया। तो ये जो सम आता है दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम वो 2a आता है, एलिप्स में पढ़ाया था। तो इसका मतलब 2a का वैल्यू उसने आपको दे रखा है 10। हाँ तो 2a इज इक्वल टू 10, तो a कितना होगा बेटे, 5 होगा। और क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट, पोस्ट नहीं पाथ, पाथ ट्रेस्ड बाय द मैन, जो पाथ में जो इंसान दौड़ रहा है वो पाथ का इक्वेशन बताओ। तो ये पाथ एलिप्टिकल है, और इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, पहले तो इजी करने के लिए इसको एक्स एक्सिस और मतलब इसका जो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पर है ना, मेरे पास समझ रहे हो, क्लियर। ओके तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, राइट, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। कितनों को मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स, अच्छा इक्वेशन इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स विद सेंटर एट ओरिजिन, विद सेंटर ओ एट ओरिजिन। तो इक्वेशन क्या होगा इसका, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अच्छा b b b पता, वही यही इक्वेशन पूछ रहा है, लेकिन a b दोनों का वैल्यू तो चाहिए ना पुट करने के लिए। अच्छा c पता है a पता है, एलिप्स में c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैंने बताया था कैसे याद रखोगे, एलिप्स में c स्क्वायर इज इक्वल टू इसका माइनस b स्क्वायर, यस सर। इधर प्लस है ना इक्वेशन में, तो उसमें यहां पर माइनस होता है, याद रखना, ट्रिक। हाँ तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है 25 माइनस सी स्क्वायर कितना है 16, राइट, 4 का स्क्वायर तो 9, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 3। बी स्क्वायर ही एक्चुअली चाहिए, बी स्क्वायर ही चाहिए, बी स्क्वायर इज 9, राइट। देयर फोर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर कितना है 25 प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर, गेट इट, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ दौड़े अच्छा किसी शुणुनाती किसी बुझुना किसी मन दौना, मन नदे अवस्था खराब हो, कही कही थकी जाऊँगी हिंदी को। अच्छा बहुत बहुत बच्चे हिंदी उड़िया नहीं समझ पाते, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मतलब बोल बोल के हम थक जाते हैं, हर साल यही होता है,
पता नहीं आजकल बच्चों का क्या हो गया है, मतलब ये जो मतलब एक भूत सा चढ़ा है, मतलब पढ़ाई को मतलब कि कोई इस तरह से मतलब डिसगस्ट करने लगे हैं बच्चे, मतलब पूरा मतलब हेट करने लगे हैं पढ़ाई, क्या क्यों पढ़ते हैं क्या करते हैं। और इसको इसको कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, और ये जो फालतू के जो बॉलीवुड के मूवी होते हैं, ये जो हीरो हीरोइन होते हैं, ये जी जो सर, हाँ ये सब बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं इस माइंड सेट को। और लास्ट रास्ते में जो लफंगे घूमते हैं छत छत में, जो चर चर मतलब आफ्टरनून में, वो लफंगों को देख के भी बहुत बच्चे अट्रैक्ट आजकल हो रहे हैं। क्यों लफंगों को देख के अट्रैक्ट होना है, लफंगों को देख के अट्रैक्ट किस कैसे होते हैं, लफंगे तो लफंगे हैं, उनका कोई काम नहीं है सोसाइटी में, अनडिजायरेबल कंटेंट से, राइट। अरे अनडिजायरेबल है कि नहीं सोसाइटी में, राइट। यस सर, यस। हाँ तो सोसाइटी को कोई प्रोडक्ट, अगर सोसाइटी के लिए हम अगर कोई काम नहीं कर पाएंगे तो इस टाइप के लोगों को क्यों फॉलो करना होता है, फालतू लोगों को। उस टाइप के लोगों को फॉलो करके क्लास नहीं आते हैं, बदमाशी करते हैं जाकर बाहर, स्टाइल लगाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। फ्यूचर क्या होगा जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में कौन आपको मतलब जब एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे बच्चे, तो इनको एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में आंसर कोई बता देगा क्या साइड में बैठ के, नहीं ना, तो फेल हो जाएंगे, तब पता चलेगा। ओके अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। ओके यस क्वेश्चन सर, नंबर 8 देखो क्या दे रखा है। यस सर, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पाराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड है मतलब याद रखो बेटे कि जो ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस पाराबोला के ऊपर ही रहने चाहिए। उसने बोला है कि वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पाराबोला, मतलब वो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ये पाराबोला के अंदर, ये पाराबोला के अंदर, ये बेटा ये किस टाइप का पाराबोला होगा, राइट हैंडेड पाराबोला विथ वर्टेक्स राइट एट हैंड ओरिजिन। राइट हाँ तो ये जो राइट हैंडेड पाराबोला विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, इसका मतलब इसके अंदर एक राइट, इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसने बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पाराबोला के वर्टेक्स पर रहना चाहिए, मतलब इधर, है ना। तो ऐसा कुछ होगा आपका ट्रायंगल, राइट, ऐसा कुछ हो रहा होगा यस आपका ट्रायंगल, यस सर, और ये आप, और ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। मैं नामकरण करता हूँ ओ ए बी, तो यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू लेट एल, और इसी का वैल्यू पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर, अच्छा यस सर, अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, इसमें पहले तो इसका ए निकालना होगा, क्या निकालना होगा, पहले तो इसका ए निकालना होगा, लेकिन अच्छा बेटे बताओ एक सेकंड, अगर बेटे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर लेंथ साइड का लेंथ एल होता है, तो क्या मुझे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट कोई बता सकते हो। सर √3a/2, हाँ हाइट चाहे जी इसकी हाइट ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी मतलब ओ सी, हाँ क्या होता है बेटे पता है ना, राइट, एक एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर साइड का लेंथ ए होता है तो हाइट का लेंथ क्या होता है, √3/2 × a। हेलो, यस सर, हाँ तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का लेंथ अगर साइड का लेंथ एल है, तो इसका हाइट कितना होगा, √3/2 × एल, तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो ओसी, हाँ सुनो मेरे बात बड़ी, याद रखो ऑब्वियसली ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंड ऑब्वियसली एक राइट एंगल, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये बेटा एक्सिस है, समझ रहे हो ना, ये एक्सिस है, ठीक है ना, और सिमेट्रिकल है, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं। हेलो गेट इट, ये 90 डिग्री है, यस सर, हाँ यस सर, तो इसका जो ओसी होगा वही हाइट होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में, अपोजिट साइड में जो हम अगर राइट एंगल बनाता है ये हाइट होता है, तो इसका ओसी हाइट का वैल्यू कितना है बेटे, √3/2 × l। अच्छा इसका एसी क्या होगा बेटे, ये सर a/2, l/2, हम एल लिए साइड लिए, तो एसी का लेंथ l/2 नहीं होगा, मेरे पास समझ रहे हो, यस सर, यस सर, हाँ व्हाट अबाउट द अदर्स, यस सर, यस सर, ऑब्वियसली साइड का आधा हो जाएगा, तो ये पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, √3/2 × l,
वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? एल बाई टू। सो एल बाई टू। और ये पॉइंट ऑब्वियसली पैराबोला के ऊपर है तो पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट ये रूट थ्री बाई टू इंटू एल कमा एल बाई टू विल सेटिस्फाई द इक्वेशन वाई स्क्वायर इजिकल फोर एक्स। अच्छा सुनो बेटे मैं चांस देता हूँ, समझ में आया सबको इधर? आंसर आने वाला है क्योंकि उसने ये दिया है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन उसने ये दे रखा है तो ए के टर्म में ही आंसर है। यस सर। मैं वही सोच रहा ए ए ए का वैल्यू तो नहीं निकला अभी तक, मैं वही सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो एक एल कट गया। हाँ तो एल क्या हो जाएगा बेटा, फोर क्रॉस कर दो। अच्छा ये टू कट गया, फिर फोर क्रॉस कर दो, कितना होगा? एट रूट थ्री इन टू ए, यही आंसर। एट रूट थ्री आंसर है। चेक करो बुक में। यस सर। हाँ यस सर। बस बस तो सुनो, मैंने बोला था ना आपको, आपको क्वेश्चन में ही फोर एक्स उसने दे रखा है, पैराबोला का इक्वेशन फोर एक्स। इसका मतलब वो बोल रहा है खुद कि पैराबोला का वर्टेक्स से फोकस का दूरी ये है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? वो दे रखा है मतलब है ना, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर एट। तो ऐसे करके एक एक करके बड़े प्यार से हमने पूरा एक्सरसाइज खत्म कर लिए। क्या बोलते हो, कर लिए कि नहीं कर लिए? यस यस यस। ओके अच्छा मुझे बात बताओ, एलिप्स का जो एक क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला था खुद करने के लिए, कर करके आंसर निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, ये वाला सवाल? यस सर। तू रह टिके, अन्य माने काले कर नथियो तू खाली तमती हेले हबो के रह, खाली इमिते हो छ हेले उत्पात। हां ये वाला, ये वाला कौन किधर था, कौन सा क्वेश्चन बोल फिर को? यस सर बोला, क्वेश्चन बोल, कौन सा क्वेश्चन था? हम कौन सा क्वेश्चन था? छूटा नहीं है तो? यस सर। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। श्योर तो पूरा एब्सोल्युटली श्योर? यस सर। ठीक ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर हो गया हो गया, बहुत अच्छा। ठीक है तो फिर कॉनिक सेक्शन का आज क्या हुआ बेटे? डी एंड, खात्मा, खात्मा हो गया कॉनिक सेक्शन डी एंड। तो कॉनिक सेक्शन डी एंड है और हमारे हमारे पास 10 मिनट हाथ में है। मैं कल बोला था 45 मिनट पे छोड़ दूंगा, बोला था ना, क्या बोलते हो? ये तो रेगुलर क्लास है। यस सर। हाँ अरे ये तो रेगुलर क्लास है ना, अभी वो तो एक्स्ट्रा क्लास में बोला था 45 मिनट और 10 मिनट हाथ में है। हाँ? तो ये 10 मिनट में, ये 10 मिनट में थोड़ा थोड़ा बहुत 3D के बारे में जानते हैं, है ना? थोड़ा बहुत 3D के बारे में जानते हैं। यस सर। और यस सर, यस सर। असलियत में पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। हाँ मुझे याद है, तभी अभी भी नहीं दिला रहे हो सर PDF को सेव करने के लिए, नहीं तो डिलीट कर देता। अच्छा चलो आगे चलते हैं। तो इधर ही हम 3D के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। 3D। अच्छा 3D का, डी का मतलब क्या होता है? अरे 2D 3D में डी होता क्या है? दो डायमेंशन होता है, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ होता है ना, है ना? यस सर। उसका डेप्थ या फिर हाइट नहीं होता, जिसको हम डेप्थ या फिर हाइट बोलते हैं वो नहीं होता 2D में। जैसे कि आप अभी मेरा जो कंप्यूटर स्क्रीन, अभी मतलब आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है मोबाइल का स्क्रीन, उसका सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ आपको दिख रहा है, उसका डेप्थ आपको नहीं दिख रहा है ना, डेप्थ नहीं दिख रहा है। मुझे मेरा लैपटॉप ही जो दिख रहा है, जो मॉनिटर मतलब जो मेरा मतलब जो लीड दिख रहा है, लीड का खाली मतलब मुझे लेंथ ब्रेथ दिख रहा है, मुझे उसका थिकनेस थोड़ी ना दिखाई दे रहा है ना।
तो ये सर ये टू डी है। हाँ यस तो मुझे अभी जो दिखाई दे रहा है टू डायमेंशन में दिखाई दे रहा है ना, टू डायमेंशन में दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, थ्री डी मतलब तीन डायमेंशन हो गए है ना। अच्छा एक एग्जाम्पल बता, एक एग्जाम्पल दो। बुक बुक है, क्यूब क्यूबॉइड है ना। अच्छा एक रेक्टेंगल, जब एक रेक्टेंगल एक सरफेस में ड्रॉ करते हैं इसका खाली क्या लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है ना, टू डी। लेकिन आप एक क्यूबॉइड इमेजिन करो, क्यूबॉइड थ्री डी हो जाता है राइट, उसका तीन डायमेंशन हो जाते हैं। मैं भी बता, तीन डायमेंशन हो जाते हैं ठीक है। यस सर। हाँ अच्छा बस 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 हाँ तेरी का छोड़ो बना बस। ये हो गया क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड ऑब्वियसली बेटा इसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीन चीज़ें होते हैं, छोड़ो इसको। तो ये हो गया थ्री डी। अच्छा अभी टू डी में, टू डी थ्री डी में फर्क क्या होता है, टू डी थ्री डी में फर्क क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डी एंड थ्री डी? ये एक्स्ट्रा डायमेंशन क्यों चाहिए? एक्स्ट्रा डायमेंशन एंगल टू द ऑब्जर्वर सी द थिंग। नहीं और क्लैरिटी के साथ बताओ हमें थ्री डी की जरूरत क्यों है। मतलब हम तो टू डी में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट में पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से उसका मतलब उस पॉइंट का लोकेशन पता कर लेते हैं, उस पॉइंट का मतलब एक सर अगर वो सर स्पेस में होगा तो उसका जेड कोऑर्डिनेट भी चाहिए। हाँ और मैथमेटिक्स से स्पेस का मतलब ये नहीं, मतलब जो आउटर स्पेस नहीं, मैथमेटिक्स में स्पेस का मतलब है मतलब हवा है ना, मेरे पास समझ रहे हो ना, स्पेस आगे जो कुछ जहाँ पर कुछ नहीं होता है, मेरे पास समझ रहे हो कि नहीं? हेलो यस सर। हाँ देखो बेटे जब यस सर हाँ जब एक बेटे टू डायमेंशनल सरफेस में, टू डायमेंशनल सरफेस में मानो मैं एक पॉइंट इधर बना रहा हूँ पी। अब मैं जानना चाहता हूँ ये पॉइंट पी ये सरफेस में किधर है। अभी देखो अब जैसे जैसे पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, काउंटिंग कैसे करते थे, दीवार में ऐसे ऐसे चौक में ऐसे लगा के काउंटिंग करते थे। वैसे अगर कोई बोलेगा भाई पी कहाँ है, पी इधर है, इधर है पी, इधर है पी, इधर है, अरे वैसे दिखाने से नहीं चलेगा है ना। आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस देना पड़ेगा, उसी के हिसाब से अगर आप ना भी दिखा दो खाली आप उसका एड्रेस बता दो मैं वो पॉइंट को लोकेट कर दूंगा ठीक है ना। तो उसके लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरत होता है ना टू डी में। उस एक एक्सिस हम लेते हैं वाई एक्सिस और एक एक्सिस लेते हैं एक्स एक्सिस है ना, दो परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस ले आते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसी के रेफरेंस में इसी के विथ रेस्पेक्ट हम ये पॉइंट का पोजिशन डिक्लेयर करते हैं है ना। अगर अगर मानो ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है और मानो इधर आपका लेंथ फाइव है और इधर आपका लेंथ मानो सपोज सिक्स है, तो ऑब्वियसली पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 5.6। तो 5.6 बोले तो मैं पता कर लूँगा कि इसमें यहाँ पर, तो मैंने बोला था ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरे हिसाब से मैं वाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस इधर बनाए, आप अपना अगर वाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस इधर बनाओगे या फिर कोई एक एंगल में बनाओगे तो आपके हिसाब से पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग रहेगा। तो इसका मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें चाहिए है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए जिसके थ्रू हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन निकालते हैं। और उसके लिए हम दो नंबर के इस्तेमाल करते हैं, दो ए पेयर ऑफ नंबर को इस्तेमाल करते हैं। वो पहला वो पेयर में पहला नंबर जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का होता है, दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट का होता है। बिल्कुल उसी तरह बेटे स्पेस में किसी चीज़ का पोजीशन को निकालने के लिए हमें दो नहीं बल्कि तीन परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का जरूरत पड़ता है ठीक है। और ऐसे दो नहीं बल्कि तीन नंबर का जरूरत पड़ता है उस पॉइंट का लोकेशन को डिसाइड करने में। जैसे कि बेटे जब आसमान में जब प्लेन उड़ता है तो प्लेन जो पाथ में जाता है हर मतलब हर जगह उसका एक पोजीशन होता है, उसका पोजीशन लोकेट करना, मेरे बात समझ रहे हो? आपका घर yes, आपका घर yes, आपका आपका घर के घर में जो मतलब सीलिंग से ऐसे सैंडलियर लगा होगा है ना, तो सैंडलियर का जो पॉइंट है मतलब जो शार्प एंड पूरा लास्ट हो ये वाला पॉइंट का पोजीशन निकालना है ना। ये तो मतलब स्पेस में झूला हुआ है ना, कोई तो सरफेस के ऊपर नहीं है ना, क्लियर? सरफेस के ऊपर होता तो टू डी में काम चला रहते हैं, लेकिन ये सब स्पेस में। तो इनका पोजीशन लोकेट करने के लिए हमें तीन एक्सिस की जरूरत पड़ता है ठीक है। और वो तीन एक्सिस में पहले प्रैक्टिकली आपको अपना घर में क्या होता है बता देता हूँ, फिर हम आगे हमारे पढ़ाई पे आएंगे। बेटी ये आपका सैंडलियर है, आपके घर के जो चार दीवार है कोई भी एक दो तीन चार चार दीवार है उसमें से कोई भी दो दीवार ले जाओ है ना, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव दीवार मतलब एडजेसेंट दीवार मतलब एडजेसेंट वॉल्स ठीक है ना, एक दूसरे को लगे हो दो वॉल ले जाओ ठीक है, मेरे को समझ रहे हो ऐसा? यस सर। यस सर। ठीक है वॉल ले जाओ। और नीचे ये आपका फ्लोर है, ये आपका फ्लोर और ये दो दीवार है,
उनमें से एक एक सॉरी ठीक है, एक ये कोना को, ये लाइन को आप एक एक्सिस ले जाओ मानो जेड एक्सिस, और इसको ले जाओ मानो आप अपना वाई एक्सिस, और इसको ले जाओ आप अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। और आप देखो, खुद देखो, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। आप अपना घर के घर को देखो, है ना, ये परपेंडिकुलर है, देख रहे हो, ये परपेंडिकुलर है, क्लियर? हेलो परपेंडिकुलर है, हाँ। यही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन एक्सिस है। तो ये स्पेस, आपका जो घर जो स्पेस क्रिएट हुआ, इससे आपका घर के अंदर जितने भी पॉइंट है हवा में, हर पॉइंट का अपना एक लोकेशन होगा, अपना एक पोजिशन होगा, और उसका पोजिशन डिसाइड करने के लिए हम तीन कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट का मदद लेंगे, ठीक है। और वो कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करते हैं वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ में आ गया। और इसी के रेफरेंस में विथ रेस्पेक्ट टू दिस, जैसे 2D में हमें किया था ना अभी, विथ रेस्पेक्ट टू हमारा मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही हम इसका पोजिशन 5-6 बताए थे, फाइव के एक्स एक्स पर इधर पाई वाई, बिल्कुल उसी तरह ये जो तीनों मतलब एक्सिस हैं, इन्हीं के रेफरेंस में आप ये स्पेस में कोई भी पॉइंट का पोजिशन बता सकते हो। और वो पोजिशन को बताने के लिए दो नहीं बल्कि तीन नंबर की जरूरत होता है, और तीनों ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होते हैं। ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब सपोज ये पॉइंट का लोकेशन है मानो 2-3-5, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, जेड कोऑर्डिनेट 5 है, तो इसका अगर आप उल्टा करके बोल दो या फिर पोजिशन मतलब ऑर्डर चेंज कर दो, तो ये सेम पॉइंट नहीं किसी और एक पॉइंट का पोजिशन हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। यस ओके, तो ऐसे ही ऐसे ही तीन नंबर के द्वारा हम उसके, हाँ यस सर, माय चार्ज इज बिलो 5%, सो बार बार लीव आउट लीव इन करना पड़ रहा है, कैन आई लीव? यस ओके, सो एवरीबॉडी गॉट इट, दिस पार गॉट इट? यस सर ओके यस सर, दो पास इतना ही रखते हैं, और कल का मॉर्निंग का क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे 3D के ऊपर, ठीक है ना? ओके, खाली एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड रुको।